पर मैं आपको यहाँ पर एक लेसन सिखाने के लिए आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं वो लेसन कौन सा होगा? मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, मैं सीधा सीधा नहीं बताने वाला। वो हिंट ये है कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस में लेसन पढ़े लीनियर इक्वेशन, ये लेसन उसका भी बाप है। आया दिमाग में? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आज इस वीडियो में हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसे किस किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और आखिर में जाते जाते इसका जनरल फॉर्मूला, सब रूट्स क्या होंगे, उस सब मैं बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 400 बीसी से चलता हुआ आ रहा है। 400 बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात है। 400 बीसी में बेबीलोनियस नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसकी नींव रखी थी, या फिर कह सकते हैं सबसे पहली बार इसे जन्म दिया था। बेबीलोनियस ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने फॉलो किए दो तीन स्टेप्स, या फिर कह सकते हैं उन्होंने फॉलो किए एल्गोरिथमिक मेथड। लिख देता हूँ आपके लिए मैं। उन्होंने फॉलो किए एल्गोरिथमिक मेथड कि इसे यूज करिए और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मिल जाए। एल्गोरिथमिक मेथड, मुझे पता है नाम सुन के बहुत भयानक लग रहा होगा, क्या है ये, लेकिन एल्गोरिथमिक मेथड इतना कुछ नहीं है। एल्गोरिथमिक मेथड मतलब मैथ्स का वो एक पार्ट जिसमें आप दो तीन स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपको मैथ्स का आंसर चुटकी बजाते हुए आ जाए। एल्गोरिथमिक मेथड इन्होंने फॉलो किया, इनको आंसर भी आए, इन्हें लग रहा था कि इनका जो मेथड है वो सक्सेसफुल होगा, ये आगे तक जाएंगे। लेकिन इनकी मेथड में एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी साबित हुई थी। इनके जो जो आंसर आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे आंसर्स पॉजिटिव आए थे। अब भाई साहब ये ऐसा कह रहे थे कि सारे आंसर्स पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे चैलेंज किया, पॉजिटिव नहीं आ सकते, नेगेटिव भी आ सकते हैं, इसके लिए इनका मेथड यही फेल कर गया। अब यूक्लिड आए थे उनके 100 साल बाद, यानी 300 BC में, ये भी बिफोर क्राइस्ट की बात है। 300 बीसी में इन्होंने यूज़ किया ज्योमेट्रिक मेथड कि मैं ज्योमेट्री यूज़ करूँगा, मैं ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करूँगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, एक और बात, यूक्लिड और भी जाने जाते हैं कॉनिंग्सबर्ग के एक मॉडल के लिए, कॉनिंग्सबर्ग के एक मॉडल के लिए जिसे हम आज के टाइम पे 7 ब्रिजेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो कॉनिंग्सबर्ग है ये एक मिस्ट्री थी जो इन्होंने सॉल्व की। ये एक्चुअली एक ग्राफ थियोरी के ऊपर बेस्ड है, वो आपको अभी नहीं है, वो मुझे भी नहीं है, मेरे भी आगे है वो। इन्होंने कॉनिंग्सबर्ग का एक मॉडल या फिर मिस्ट्री सॉल्व किया, इसीलिए इन्हें उस टाइम पे कहा जाता था ग्राफ के महाशय, ग्राफ के महाशय के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इन्होंने कहा मैं ग्राफिकल मेथड यूज़ करूँगा, मैं ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करूँगा ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मिल जाए। लेकिन इनका भी वही प्रॉब्लम निकला, इनका भी बेबीलोनियन जैसा प्रॉब्लम निकला, इनके भी सारे आंसर्स पॉजिटिव आए, एक भी आंसर नेगेटिव नहीं आया। इन्होंने कुछ ग्राफ पैराबोलिक बनाए। सारे आंसर्स इनके जो जो थे सारे आंसर्स पॉजिटिव निकले, इसके लिए इनका भी मेथड आगे चल नहीं पाया। अब इसके बाद जो थर्ड मैथमेटिशियन आए उनका नाम भी मैं लिख देता हूँ, ब्रह्मगुप्त। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मगुप्त, आपने इनका नाम हिस्ट्री में भी सुना होगा, लेकिन ये है मैथमेटिशियन, वो अलग है, ये अलग है। हाँ तो दोस्तों, ब्रह्मगुप्त इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कवरी की थी 600 AD। मतलब आप सोच सकते हैं कितना टाइम लग गया और एक मैथमेटिशियन को इसके ऊपर पहुँचने में या फिर इसे सॉल्व करने में। इन्होंने भी बेबीलोनियस के मेथड को ही फॉलो किया, एल्गोरिथमिक मेथड को, लेकिन इन्होंने उसमें थोड़ी मॉडर्न मैथमेटिक्स डाली, मॉडर्न मैथमेटिक्स डाली, और इनके कुछ आंसर्स आए पॉजिटिव, कुछ आंसर्स आए नेगेटिव। तो फिर इनका मेथड बेबीलोनियस से अच्छा था, लेकिन इनके मेथड में भी एक प्रॉब्लम हो गई। जो जो आंसर थे इनके इसमें, या फिर कह सकते हैं जो जो अननोन्स थे, वो अलग अलग आंसर्स आए थे। मतलब मान लीजिए अब एक ही इक्वेशन ले लीजिए, उसके 2-3-4 आंसर आ रहे थे, ये बता नहीं पा रहे थे ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही इक्वेशन में 2-3-4 आंसर आ सकते हैं, ये बता नहीं पाए, इसके इनका भी मेथड आगे चल नहीं पाया।
इसके आगे तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ट्राई किया इसका आंसर देने के लिए, वो बता ही नहीं पाए, लेकिन फाइनली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका आंसर बताया। उसका भी नाम, उनका भी नाम मैं लिख देता, माफ कीजिएगा, फ्रैंकोइस वीएटे। नाम अलग लग रहा है मुझे पता है, नाम अजीब लग रहा है ये भी मुझे पता है, फ्रैंकोइस वीएटे, ये थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन। फ्रेंच मैथमेटिशियन इसलिए नाम अजीब लग रहा है, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी अराउंड 16 सेंचुरी में। ये देखिए और ये देखिए, 16 सेंचुरी में, मतलब सोच लीजिए ब्रह्मगुप्ता ने जब इसका आंसर बताया कितना टाइम लग गया उसके बाद इसका आंसर देने के लिए, कि एक ही इक्वेशन में दो तीन आंसर क्यों आ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना टाइम लग गया 600 एडी और 16 सेंचुरी के बीच में। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उस टाइम पे फ्रांस में रेने डिस्क्रेस का मैथमेटिकल पीरियड चल रहा था। ये भी नाम अजीब है मुझे पता है, रेने डिस्क्रेस का मैथमेटिकल पीरियड चल रहा था, यानी उस टाइम पे वहां पर मैथमेटिक्स के बादशाह माने जाते थे, मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा था। और जैसे ही इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और कुछ बताया, वहां से जन्म हुआ मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं और जो हमेशा ऊपर ही रखा जा रहा है, अभी तक नीचे नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों इतना ही है इसके हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग ने ट्राई किया और बहुत सारे लोग फेल हुए, लेकिन कुछ कुछ लोग पास भी हुए। तो इतना ही है इसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप पहले नोट कर लीजिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये ए बी सी जो है ये कॉन्स्टेंट होंगे, आपको एग्जाम में इनके वैल्यूज दिए होंगे, आपको आगे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये ए बी सी को तो कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता था, अपने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। जी हाँ, इन्हें कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स हो करते थे, एक्स और वाई, तो फिर इसीलिए उन्हें कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर है एक ही वेरिएबल, तो इसीलिए इन्हें कॉन्स्टेंट्स के नाम से भी जाना जा सकता है। आप सोच रहे होंगे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप यहाँ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने लीनियर इक्वेशन में देखा होगा कि जो जो वेरिएबल होती है उसकी पावर होती है 1, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पावर है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही सबसे बड़ा बदलाव है लीनियर इक्वेशन से, कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता है, वहां पर आपने देखा 2 वेरिएबल होते हैं, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से अलग है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पावर 2 ही है, यहाँ पर 1 है भले, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा माना जाएगा जब किस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की पावर 2 हो। हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट भी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वहां पर भी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई वेरिएबल हो जिसमें, या फिर जो कॉन्स्टेंट हो जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, लेकिन यहाँ भी वैसा ही है। लेकिन आप यहाँ मेनली देख सकते हैं यहाँ सिंगल वेरिएबल है, वहां था 2 वेरिएबल, वहां वेरिएबल की पावर 1 थी, यहाँ वेरिएबल की पावर है 2, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अलग लीनियर इक्वेशन से। अब आप सोचिए, मैं पहली बार बोल देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल की पावर होगी 2, भले उसमें 1 ना हो, भले उसमें 0 ना हो, कुछ ना हो, अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। अब जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर बी को 0 से इक्वेट कर देता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ बी 0 है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, मैंने आपको कहा था x का पावर 1 ना हो लेकिन x का पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ c भी 0 है, लेट
आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक बात देखिए, अगर मैं यहां पर a को जीरो डाल दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल, इसीलिए का ए जो भी होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता, भले बी जीरो हो भले सी जीरो हो, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला की बात। तो अब मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप सोच लीजिए क्या वो क्वाड्रेटिक होगा या कोई और इक्वेशन होगा, या फिर देख लीजिए वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जीरो, ये एक हो गया। दूसरा लिख लीजिए आप 9x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तीसरा ले लीजिए आप x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, चौथा ले लीजिए आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक है कौन कौन से नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ x की पावर 1 भी है, लेकिन हमें उसे देखना नहीं है, हमें x की पावर 2 देखनी है, ये क्वाड्रेटिक होगा, जी हाँ ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ भी देख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भले 2 की और कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ देख लीजिए x की पावर जो है वो है 1 और यहाँ और कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक। क्योंकि देखिए अगर आप पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर है 4, ये तो हो ही नहीं सकता, भले यहाँ 2 भी है, लेकिन मैंने कहा था मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2, 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जिस जिसको आंसर आया होगा बधाई हो। तो अब हम आगे चलते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करते हैं। रूट कह रहा हूं जो रूट नहीं है, सारे क्रिकेटर्स खुश हो गए जो रूट की बात कर रहे हैं, पढ़ा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे जरूरी होता है रूट्स, लिख देता हूं यहां रूट्स, आर ओ ओ टी एस। रूट्स का सीधा सीधा मतलब होता है सॉल्यूशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कोई भी इक्वेशन में एक्स की क्या वैल्यू डाले कि उस इक्वेशन का आंसर जीरो के बराबर आ जाए। तो फिर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, आप अंदाजे से एक्स की कोई भी वैल्यू डाल के देखिए कि आंसर जीरो आगे देखिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जीरो, इसमें देख लीजिए आप एक्स की क्या वैल्यू डालें कि आंसर जीरो आ जाए। आप देखिए यहाँ एक्स को जीरो डाल दीजिए, एक्स को जीरो डाल दिए तो आंसर जीरो आ सकता है, कि देखिए 2 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो। आप और कुछ डाल सकते हैं क्या, इतना सोचना ना पड़े, इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए या बहुत सारे मेथड्स दिए हुए इसका आंसर निकालने के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस रूट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो रूट्स की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि
जो रूट्स का आंसर रहेगा या रूट्स का जो सोल्यूशन रहेगा वो दो आंसर्स आ सकते हैं, वो या तो पॉजिटिव हो या दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत। आपने लीनियर इक्वेशन में देखा होगा दो वेरिएबल्स थे उनके एक आंसर आते थे या फिर दो वेरिएबल के अलग अलग आंसर आते थे, इसमें एक ही वेरिएबल है उसके दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है लीनियर इक्वेशन से। और मेनली आप याद रख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो होगी टू, टू से ऊपर नहीं जा सकते, भले नीचे भी आ सकते हैं लेकिन जीरो से टू तक ही जा सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में आ गया फिर भी वो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं एक सम सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा था इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि इक्वेशन से कंपेयर करके कौन सी इक्वेशन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आपको ए बी सी के वैल्यू याद करनी है या फिर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपका जनरल इक्वेशन क्या था, सब साथ में बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया। आपको इसको इससे कंपेयर करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे टर्म्स एक साइड में और जीरो एक साइड में, तो इस 13 को ये साइड ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू जीरो। तो मेरे स्टेप्स फॉलो कीजिए, ये सम्स आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आप ये फॉलो करेंगे आपको मार्क्स आराम से आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 22 इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी आपकी, सब साथ में बोलेंगे 1, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 22, पर बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो बी का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा, जब बी का कोई टर्म ना दिखे तो बी की वैल्यू अपने आप हो जाएगी 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस 22 और 0 ए बी सी की वैल्यू, ये आपको एमसीक्यू में आएगा तो आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्टेप वाइज चाहिए तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए, ये इक्वेशन को जैसा है वैसे ही लिखिए, यहाँ पर लिख लिया। फिर इस 13 को मैं सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो फिर इसे इक्वेट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखिए बाई कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू माइनस 22, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको एक मार्क के लिए आया या अगर आपको एमसीक्यू के लिए आया तो आप इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 2m² - 5m = 0 और यहाँ m की वैल्यूज भी देख रखी हुई है m = 2 या m = 5/2। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इसके लिए एक रूट बन के साबित होगी, या फिर कह सकते हैं कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन के लिए एक क्या कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले लिखिए केस 1, केस 1 m = 2। तो अब यहां लीजिए आप LHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या है 2m² - 5m इक्वल टू 0 मत लीजिए, वो इक्वेशन ही हो जाएगा 2m² - 5m। अब आपने क्या लिया है m = 2, तो m = 2 यहाँ डाल दीजिए 2 × 2² - 5 × 2, तो ये 2 × 4 - 10, ये 8 - 10 इक्वल टू -2। आपका RHS क्या है इसमें 0, आपका LHS क्या है इसमें -2। क्या आपका RHS और LHS इक्वल है, बिल्कुल नहीं, आपका RHS क्या है इसमें 0, आपका LHS क्या है इसमें -2। Therefore LHS
not equal to RHS. Therefore, आपको आंसर करके लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है 2 is not the solution of the given equation, या फिर 2 is not the unique solution of the given equation. अब दूसरा केस ले लीजिए, केस 2, यहां पर क्या है, m इक्वल टू 5/2, वापस सेम स्टेप्स, LHS इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 5m. अब यहां पर m की वैल्यू को आप डाल दीजिए 5/2, 2 × 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 × 5/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 25/4, यहाँ क्या हो जाएगा -25/2, यहाँ क्या हो जाएगा 25/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, माफ कीजिए, ये क्या आएगा 0. आपका LHS आया 0, आपका RHS भी है 0, इसके लिए LHS = 0, RHS = 0, therefore LHS = RHS. वापस आपको यहाँ आंसर करके लिखना होगा कि m इक्वल टू 5/2 इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन 2m² - 5m = 0. इस तरह आप ऐसे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, 1-2 मार्क के लिए ये सम्स आ सकते हैं कि कौन सा रूट है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है करके. तो आज आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से जन्म हुआ, किन किन मैथमेटिशियन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, रूट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे. और आपने इस वीडियो में ये भी सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से अलग है. तो इसीलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का पावर होता है वो 0 से 2 के बीच में वेरी कर सकता है, या फिर मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है, और लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होता है 1, इसीलिए अलग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से. तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडी सॉल्यूशंस. थैंक यू वेरी मच.